कुछ बैंकों के कार्ड इतने बेहतरीन होते हैं ना कि उन्हें हर कोई लेना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि उस बैंक की हर एक एरिया में सर्विस नहीं होती है। जितने भी हम गवर्नमेंट बैंक के यूज करते हैं लाइक PNB, SBI, कैनरा बैंक, इनके तो छोटे छोटे कस्बों में भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अभी तक हर एक जगह पर आपको ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में मान लीजिए आपको जो है IDFC फर्स्ट बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड पसंद आ गया और आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर IDFC फर्स्ट बैंक का सर्विस नहीं है, तो आप किस तरह से अपने लिए एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड में वैसे तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन कुछ हाइलाइटेड बेनिफिट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको ये पता लग सके कि आखिर क्यों लेना चाहते हैं इस बैंक का क्रेडिट कार्ड हर कोई। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं पे करनी पड़ती है और ना ही कोई एनुअल फीस पे करना पड़ता है। उसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए बस आपको प्रोसेसिंग फी पे करना है और 48 डेज तक उस पैसे को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर पाओगे, बिल जनरेट हो जाएगा, पे कर दोगे, आपको एक्स्ट्रा एक भी रुपए का चार्जेस पे नहीं करना है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो 199 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। और इस कार्ड के द्वारा आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, जब चाहो तब आप इसको यूज कर सकते हो। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज भी मिल जाता है, कुछ कार्ड पर आपको रेलवे लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। तो जब इतने सारे बेनिफिट आपको बिना किसी चार्जेस के मिल जाए तो आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मान लो अगर आपको जरूरत है तो खर्च करो, नहीं जरूरत है तो वैसे भी पड़ा है, तब भी आपको कोई चिंता तो नहीं रहेगी कि साल में हमें इसका एनुअल फीस भी पे करना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहेगा। बट इस बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो अपनी सर्विस है बहुत सारे पिन कोड पर नहीं देती है, यानी हर एक जगह इसका ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद में आपका मन बन चुका है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप कैसे ले सकते हो, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है तो अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और IDFC फर्स्ट बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनका आप कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो उस टाइम जब आप अपना डिटेल्स फुलफिल करते हो उस टाइम अपना आधार नंबर भी एंटर करते हो, तो कुछ केसेस में होता है कि आप अपना आधार नंबर एंटर करते हो और OTP से वेरीफाई करोगे तो आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिक से फैच कर लेता है, बट आपके जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो उनके सर्विस एरिया में नहीं आता है। तो आपने क्या करना है जिससे आपको एक क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाए, इसके लिए देखिए आप एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं। भले ही उन्होंने ऑटोमेटिक से फैच कर लिया है आपका जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है उसको, लेकिन वहां पर करेंट एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन आता है, यानी परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन आता है। तो परमानेंट एड्रेस तो उन्होंने ले लिया, करेंट एड्रेस में आपने ऐसा कोई एड्रेस एंटर करना है जो IDFC फर्स्ट बैंक के सर्विस एरिया में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो लेकिन दिल्ली के रूरल एरिया में रहते हो जहां पर IDFC फर्स्ट बैंक की सर्विस नहीं है, तो आप क्या करो एप्लीकेशन में एक ऐसा एड्रेस एंटर करो जो आपके रिलेशन में के किसी का हो जो दिल्ली में रहता हो, सिटी में रहता हो, और आप एप्लीकेशन को प्रोसीड कर दोगे तो वो जो डिलीवरी होगा उस एड्रेस पर होगा, भले ही आपका जो एड्रेस है सर्विस एरिया में नहीं है लेकिन जो आपने करंट एड्रेस एंटर किया है वो उनके सर्विस एरिया में आता है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इसी के साथ आप अप्लाई करते टाइम ना दो चीजों का ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको ना दो ऑप्शन सिलेक्ट करने को आ जाएगा कि आप अपने इनकम बेसिस पर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आपकी इनकम 25-50 हजार के बीच में है तब तो आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे तो अच्छी बात है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं है, कम है, और आपके पास में पहले से कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको अच्छी खासी लिमिट मिली हुई है, तो उस केस में क्या कीजिए, उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अप्रूवल भी आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे यूजर जो है ट्रिक की हेल्प से उनके एरिया में IDFC फर्स्ट बैंक की सर्विस नहीं है फिर भी वह जो है क्रेडिट कार्ड ले पा रहे हैं, क्योंकि वो जो करंट एड्रेस में ऐसा एक एड्रेस फुलफिल कर रहे हैं जो बैंक के सर्विस एरिया में है और वहां से जाकर वो आराम से अपने क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं। तो आप भी IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं, और जिनका भी ऐसे ट्रिक से क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।